लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस शख्स ने किया कुछ ऐसा। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये मामला ब्रिटेन से आया है। यहाँ की अदालत ने एक टैटू बनाने वाले शख्स को बिना किसी डिग्री के लोगों का ऑपरेशन करने का दोषी करार दिया गया। बता दें कि स्वयं को चिकित्सक बताने वाले ब्रेंडन मैकार्थी ने ये माना कि उसने लोगों के कान, जीभ, नाक एवं निपल तक काट डाले। शख्स का इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में डॉक्टर ईवल नाम से क्लिनिक था। आरोप है कि ऑपरेशन से पूर्व वो अपने मुवक्किल को बेहोशी का इंजेक्शन भी नहीं लगाता था। सूत्रों की माने तो ईवल ने वर्ष 2012 में एक महिला की जीभ काट दी थी एवं साल 2015 में एक मुवक्किल को बेसुध किए बिना उसका कान काट दिया था। उसके विरुद्ध क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने जांच प्रारंभ कर दी। क्लिनिक में कान जीभ काटते के थोड़ी तस्वीरें भी वायरल हुई है। मैकार्थी ने पुलिस को कहा कि मैं जब किसी भी शख्स को टैटू बनाता हूं तो सर्वप्रथम उसकी लिखित मंजूरी लेता हूं।